जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विदेशी आतंकी को मार गिराया, मुठभेड़ में एक जवान जख्मी। गाजियाबाद के लोनी में दो मंजिला मकान गिरने से एक परिवार के पांच लोगों की मौत, पांच बुरी तरह से जख्मी। रात 11:30 बजे हुआ दर्दनाक हादसा, मरने वालों में दो महिलाएं और तीन बच्चे। पंजाब के जिला मोगा में पुलिस ने जब्त किया सिंथेटिक ड्रग्स, एक शख्स गिरफ्तार। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, 60 ट्रेनें कैंसिल, 21 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। भारत पाक सीमा पर जम्मू कश्मीर में तैनात एक बीएसएफ जवान ने अपने अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कई बार रखा जाता है भूखा। आरोप लगाने वाले हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है। आरोप लगाने वाले जवान के मुताबिक अफसर भेज देते हैं राशन, बीएसएफ ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसएफ ने तुरंत दिए जांच के आदेश, एक वरिष्ठ अधिकारी के मौके पर भेजा। वायरल वीडियो पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, गृह सचिव को दिया जांच का आदेश, बीएसएफ से रिपोर्ट तलब। दिल्ली में जहरीले इंजेक्शन से हत्या की बड़ी वारदात, प्राइवेट बैंक के कैशियर पर सुई से हमला कर फिजियोथेरेपिस्ट ने ली जान, 7 जनवरी की वारदात। बैंक कैशियर की पत्नी के कॉलेज फ्रेंड ने एक फिजियोथेरेपिस्ट को दी थी 1.5 लाख की सुपारी, जानकारी के मुताबिक वो साजिश से थी अनजान। बैंक कैशियर की पत्नी से एक तरफा प्रेम करता था साजिश करता, आरोपी फिजियोथेरेपिस्ट और साजिश रचने वाला शातिर गिरफ्तार। दिल्ली के मंडावली में 3 साल की मासूम और उसकी मां के शव बरामद, मौके से सुसाइड नोट बरामद, पुलिस को हत्या का शक। पुलिस का दावा, धोखा देने के लिए रची गई थी सुसाइड की साजिश, हत्या में किसी करीबी के शामिल होने का शक। दिल्ली के अमर कॉलोनी में बेटी के लिए बर्थडे केक लेने जा रहे जिन ट्रेनों को बदमाशों ने मारी गोली, पीड़ित एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में नहर से 8 साल की बच्ची की लाश मिली, कल शाम को खेलते खेलते हुई थी लापता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मथुरा रोड इलाके में कार से 18 पिस्टल और 25 मैगजीन बरामद की, दो अपराधी गिरफ्तार। स्विफ्ट कार में खुफिया तरीके से छिपाए गए थे हथियार, यूपी महाराष्ट्र मध्यप्रदेश में की जाती थी हथियारों की तस्करी। थाने में करीब 19 करोड़ के 754 किलो ड्रग्स बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, फार्मास्यूटिकल कंपनी में छापेमारी में मिली कामयाबी। दिल्ली से लखनऊ लौटते ही बेटे के आगे मलान का सरेंडर, दिल्ली से लखनऊ पहुंचने पर बोले अखिलेश ही होंगे अगले सीएम। मलान का दावा, समाजवादी पार्टी टूटने का सवाल ही नहीं, जल्द शुरू होगा चुनावी प्रचार। सूत्रों के मुताबिक रामगोपाल यादव से मुलायम कैंप को ज्यादा नाराजगी, दावे के मुताबिक वो ही जनता परिवार के विलय के विरोध में थे। नए सिंबल या पार्टी का नाम बदलने की खबरों को रामगोपाल यादव ने किया खारिज, कहा अखिलेश ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी ही समाजवादी पार्टी। एक वीडियो में गंभीर आरोप लगाते दिखे शिवपाल यादव, कहा साल भर से पार्टी तोड़ने में लगे थे रामगोपाल। प्रोफेसर साहब की तो तैयारी 3 महीना पहले से थी, लगे तो वो थे 1 साल से, इस चक्कर में लगे तो 1 साल, लेकिन हम लोग नहीं समझे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का बयान, रामगोपाल यादव की धमकी के बाद मिली जेड सुरक्षा। समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का यूपी के मंत्री अरविंद सिंह गोप पर जातिवाद का आरोप, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। सूत्रों के मुताबिक आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली में कर सकते हैं मुलाकात, यूपी में गठबंधन पर फैसला संभव। आज नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात संभव। पंजाब उत्तराखंड और गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की आज अहम बैठक, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। काफिले पर हमले को लेकर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का आरोप, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। अलीगढ़ में प्रकाश जावड़ेकर के सामने विरोध प्रदर्शन, आरएलडी विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के बीजेपी में शामिल किए जाने से नाराजगी। गोवा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, आचार संहिता तोड़ने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों तक गुजरात दौरा, आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बाबा रामदेव ने 2000 के नोटों की छपाई बंद करने की वकालत की, कहा बड़े नोट से नोटबंदी का मकसद नहीं होगा पूरा।
नोटबंदी से भरा सरकार का खजाना, पिछले साल के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स में 12% और इनडायरेक्ट टैक्स वसूली में 25% का इजाफा। अरुण जेटली ने कहा सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ, उत्पाद कर पिछले साल के मुकाबले 43% बढ़ा। नोटबंदी पर संघीय समिति के सामने पीएम की पेशी संभव, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो तलब होंगे मोदी। बरेली में चेकिंग के दौरान एक कार से 5,99,000 कैश बरामद, कार में मौजूद व्यापारी से पुलिस ने की पूछताछ। बागपत में 2,80,000 की नई करेंसी के साथ दो युवक हिरासत में, गाजियाबाद जाते वक्त तलाशी के दौरान पकड़े गए आरोपी। राजकोट के राज बैंक में नोटबंदी के बाद 4,551 अकाउंट चालू होने का खुलासा, 871 करोड़ रुपए हुए जमा, आईटी ने की छापेमारी। जोधपुर में विदेशी महिला ने जोधपुर के अपने भारतीय पति पर लगाए टॉर्चर के आरोप, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर मांगी मदद। विदेश मंत्रालय ने विदेशी महिला से संपर्क किया, फिलहाल मुंबई में रही पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया है केस। सासाराम से आरएल एसपी विधायक ललन पासवान की बेशर्मी, हाजीपुर के हॉस्टल में एक छात्रा की मौत को लेकर रेप से जुड़े कई बेतुके सवाल छात्राओं से पूछे। दरभंगा में बीएमपी के जवानों और ग्रामीणों में हिंसक झड़प, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। एटीएम से पैसा पहले निकालने के विवाद में युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, तनाव के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। जमशेदपुर में एक बस में अचानक लगी आग, रांची जाते वक्त हुआ हादसा, बाल बाल बचे लोग। सहारनपुर में कुत्ते की मौत को लेकर दो गुटों में गोलीबारी, एक महिला समेत दो की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आजमगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक हथियारों का आगामी चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था, एक आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। हापुड़ में हथियार तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा, 7 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में 12 साल की बच्ची ने की खुदकुशी, पतंग खरीदने के लिए 50 रुपए नहीं मिलने से था नाराज। बांदा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल, बीजेपी ने डीएम से मिलकर आरोपी समाजवादी पार्टी नेता पर कार्रवाई की मांग की। हाजीपुर में जमीन विवाद में हुई हत्या और बवाल के बाद पीड़ित परिवार से मिले लालू यादव, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। बिहार के किशनगंज में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी। पंजाब के मोगा में पुलिस ने करोड़ों के सिंथेटिक ड्रग्स पकड़े, एक शख्स गिरफ्तार, 14 जनवरी तक पुलिस रिमांड में आरोपी। उज्जैन में कपड़े के शोरूम में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद 2 आरोपी महिलाओं की करतूत, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जींद के निडाना गांव में महिला सरपंच की पिटाई, आम सभा के दौरान पूर्व सरपंच पर रजिस्टर फाड़ने और मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल की 2 मासूम बच्चियों से घिनौनी हरकत, आरोपी प्रिंसिपल का वीडियो वायरल। प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, खुलासे के बाद से आरोपी फरार। मुंबई में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत। मालदा में संपत्ति विवाद में बेटे ने ली अपनी मां की जान, हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार। दक्षिण 24 परगना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गोदाम से 204 गैस सिलेंडर की चोरी, 30 से ज्यादा बदमाश थे शामिल। हरदोई में पंचायत सदस्य के घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आरोपी बीडीसी और उसकी भाभी को पुलिस ने पकड़ा। गाजियाबाद में घर में लगी आग, बाल बाल बची 8 साल की बच्ची की जान, माता पिता उसे कमरे में बंद कर गए थे नौकरी। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठी। उदयपुर में मारपीट और अपहरण करने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, गैंग के सरगना की तलाश जारी। असम के बरपेटा में पुलिस ने 3 बीघा जमीन में उपजाए गए गांजे को आग के हवाले किया, खेती करने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा, आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नए भवन की रखी आधारशिला, कहा रेलवे उनकी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल।
गांधीनगर में पीएम का कांग्रेस पर निशाना, बोले एक वक्त पर रेल मंत्रालय का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बनाने के लिए हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का किया उद्घाटन, यहां 22 घंटे रोजाना होगा काम। बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, देर रात पार्टी नेताओं ने बैठक कर बनाई रणनीति। सवाई माधोपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बिजली की दर में बढ़ोतरी का किया विरोध। इलाहाबाद पुलिस की अनूठी मुहिम, पीसीआर वैन में एलईडी टीवी लगाकर लोगों को दी जा रही है ट्रैफिक नियमों की जानकारी। उत्तराखंड के नैनीताल में जबरदस्त बर्फबारी, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों, लिया मौसम का मजा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी से सेब के किसानों में उत्साह, इस बार पैदावार अच्छी होने की उम्मीद। पूर्व दिल्ली को बड़ी राहत, 5 दिन के विरोध के बाद एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी झुग्गी बस्ती संजय कैंप पहुंचे, वहां के लोगों से समस्याओं पर की बात। बिहार में 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में बनने वाली मानव श्रृंखला का बीजेपी ने किया समर्थन, पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद में आचार संहिता का उल्लंघन, सरकारी दुकान में बिक रहा है समाजवादी नमक। सरकारी दुकान के संचालक ने कहा ऊपर से आया था बिक्री के लिए फोन, अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई। कानपुर में मोहिनी टी कंपनी ने युवाओं के लिए लॉन्च किया एवरग्रीन टी, कंपनी के मुताबिक नोटबंदी के असर से अब उबर गया है चाय व्यापार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 लाख स्ट्रीट लाइट में लगाए गए एलईडी बल्ब। पाकिस्तान की जेल से रिहा 218 भारतीय मछुआरे देश लौटे, भावुक घरवालों ने किया जबरदस्त स्वागत। गुवाहाटी पुलिस के जवानों को दी जा रही कमांडो ट्रेनिंग, कल मॉक ड्रिल कर अपने जौहर का किया प्रदर्शन। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गजल कार्यक्रम का आगाज, चारू शर्मा ने अपनी गायकी के जादू से लूटी महफिल। दंगल ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड, 17 दिन में 345 करोड़ से ज्यादा की कमाई, आमिर की फिल्म पीके का रिकॉर्ड टूटा। फिल्म दंगल की कामयाबी पर अभिनेता आमिर खान ने कहा यह मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, फैंस को कहा शुक्रिया। मुंबई में अभिनेता ओमपुरी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, उनकी पूर्व पत्नी सीमा कपूर और कई सितारे हुए शामिल। कॉफी विद करण सीजन 5 के अगले एपिसोड में दिखेंगी करीना कपूर, सोनम कपूर भी देंगी सवालों के जवाब।